हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 7 अप्रैल को लॉन्च होने वाली सेट्रॉन एक्सयू के बारे में। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी सेट्रॉन भारतीय बाजार में दमदार एंट्री लेने जा रही है। कंपनी अपने एक्सयू को भारत के बड़े बाजार में उतारने जा रही है 7 अप्रैल को। भारतीय बाजार में एक्सयू की बढ़ती मांग को देखते हुए मार्केट में पहले से कई कंपनियां ने अपनी एक्सयू को लॉन्च कर दिए। बता दें, कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी स्टार्ट कर दी और आप इसे नॉर्मल 50,000 रुपये की बुकिंग से अपनी गाड़ी को बुक करा सकते हैं। इस एक्सयू की टक्कर किया की सेल्टोस, हुंडई की क्रेटा और महिंद्रा की X300 से होने वाली है। तो चलो जानते हैं कि इस गाड़ी में अपन को क्या देखने को मिलेगा। कंपनी ने इस एक्सयू में 12 इंच का डिजिटल MID और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड और एप्पल को सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा कई एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हैंड फ्री टेलगेट, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट, मल्टीपल एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो कंपनी ने अपनी एक्सयू में 0.2 लीटर की क्षमता का 4 सिलेंडर डीजल का उपयोग किया गया है, जो कि आपको 177 PS की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। इस एक्सयू में आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के अनुसार ये एक्सयू 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करेगी। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई 4500 mm, चौड़ाई 1840 और ऊंचाई इसकी 1670 mm दी गई है। इसका जो वेट बेस है वो 2730 mm का और इसका जो अधिकतम बूट स्पेस दिया गया वो आपको 1630 लीटर का मिलेगा। ये एक्सयू हुंडई की क्रेटा से थोड़ी बड़ी होने वाली है। प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो बेस मॉडल है वो आपको 10 लाख के करीब और इसका जो टॉप वेरियंट मॉडल है वो आपको 20 लाख के करीब मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।